इस वीडियो में रिच डैड पुअर डैड किताब में से लिए गए दो चैप्टर अपने काम से काम रखो और इसी के साथ दूसरा टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत, इन दोनों चैप्टर को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। हमारी शिक्षा पद्धति आज के युवाओं में अकेडमिक कुशलताएँ विकसित कर यानी डेवलप कर उन्हें अच्छी नौकरियां दिलाने के लिए तैयार करती है। उनकी ज़िंदगी उनकी सैलरी के चारों तरफ घूमती है, उनकी आमदनी वाले कॉलम के चारों तरफ। वे अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा हासिल करते हैं। वे डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, कुक या वैज्ञानिक इत्यादि बनने के लिए पढ़ाई करते हैं। उनकी ये व्यावसायिक योग्यताएँ उन्हें काम करने और पैसा कमाने का मौका देती हैं, परंतु वे पैसे के लिए काम करते हैं। आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए आपको अपने काम से काम रखना आना चाहिए। आपका बिजनेस आपके संपत्ति वाले कॉलम के चारों तरफ घूमता है, जो आपके आमदनी वाले कॉलम के विपरीत होता है। संपत्ति तथा दायित्व में अंतर होता है और हमें संपत्ति खरीदनी चाहिए। अमीर लोग अपने संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान देते हैं, जबकि बाकी सभी लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं। आपके प्रोफेशन और आपके बिजनेस में बहुत बड़ा अंतर है। लोग ज़्यादातर अपने प्रोफेशन को ही अपना बिजनेस समझ लेते हैं। आपका प्रोफेशन ज़रूरी है, पर साथ में आपको अपने बिजनेस पर भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ बिजनेस का अर्थ संपत्ति विकसित करने से है। आपको अपने संपत्ति वाले कॉलम पे ध्यान देने तथा उसके विकसित करने यानी डेवलप करने की ज़रूरत है। अपने काम से काम रखो। लोगों की ज़िंदगी में पैसे की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वे अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। कई लोगों के पास जिंदगी भर काम करने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं बच पाता। इस इमेज से आप समझेंगे कि आप सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करते हैं, पर आपका एसेट कॉलम ही है जो आपके लिए काम करता है। इसलिए अपने काम से काम रखना शुरू कर दें। अपनी जॉब करते रहें, पर साथ में असली संपत्तियां भी खरीदना शुरू कर दें। याद रखें, ऐसे दायित्वों या व्यक्तिगत चीज़ों से बचें जिनकी कीमत एक बार घर लाने पर ही कम हो जाती है। आखिर किस तरह की संपत्तियां हमें खरीदनी चाहिए? ऐसे बिजनेस जिनमें मेरे रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनका मालिक ज़रूर हूँ, पर उन्हें दूसरे लोग चलाते हैं। स्टॉक, बॉन्ड्स, आमदनी देने वाला रियल एस्टेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से मिलने वाली रॉयल्टी जैसे म्यूजिक स्क्रिप्ट्स आदि, और ऐसी हर एक चीज़ जो कीमती है, जो आमदनी देती है और जिसका मूल्य बढ़ जाता है और जिसका बाजार तैयार है। अगला चैप्टर है टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। इस चैप्टर में रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया है कि अमीर बनने के लिए टैक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अमीर बने रहना चाहते हैं, तो आपको टैक्स को समझना और उसका फ़ायदा उठाना आना चाहिए। सबको लगता है कि अमीर लोग ज़्यादा टैक्स देते हैं, पर ऐसा नहीं है। अमीर लोग टैक्स और उससे जुड़े सभी कानूनों को अच्छी तरह से समझते हैं और उसका फ़ायदा उठाकर अपना टैक्स कम कर लेते हैं। अमीर लोग कॉरपोरेशंस का इस्तेमाल करके काफ़ी टैक्स बचा लेते हैं। कॉरपोरेशन के कानूनी ढांचे की ताकत के ज्ञान से अमीरों को गरीबों और मध्यवर्गीय लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जिन्होंने कभी कॉरपोरेशन नहीं बनाया है, वो लोग नहीं जानते कि कॉरपोरेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये केवल एक फाइल का फोल्डर होता है जिसमें कुछ कानूनी दस्तावेज लगे होते हैं और जो राज्य सरकार की एजेंसी में दर्ज होकर किसी वकील के ऑफिस में रखा होता है। यह कोई फैक्ट्री या लोगों का समूह भी नहीं होता है। कॉरपोरेशन केवल एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जो एक कानूनी देह बना देता है, जिसकी कोई आत्मा नहीं होती। अमीर लोग या तो खुद सीखते हैं या ऐसे लोगों को जॉब पे रखते हैं जो फाइनेंशियली इंटेलिजेंट हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस या फाइनेंशियल IQ के बगैर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो पाना मुश्किल है। अगर आप पैसे कमा भी लें तो उसे अपने पास बनाए रखने में परेशानी होगी। फाइनेंशियल IQ विशेषज्ञताओं के चार बड़े क्षेत्रों से आने वाले ज्ञान से बनता है। वो इस प्रकार हैं,
नंबर वन अकाउंटिंग, यह फाइनेंशियल लिटरेसी या नंबरों को पढ़ने की योग्यता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आप जितना पैसा कमाओगे उतनी ही बारीकी की ज़रूरत होगी। अकाउंटिंग आने से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ और समझ सकते हैं। इस योग्यता से ही आप किसी कंपनी की कमजोरियां या मजबूतियों को पहचान सकते हैं। दूसरा इन्वेस्टिंग, यह पैसे से पैसा बनाने का विज्ञान है। इसमें तकनीकों, राजनीतियों और फार्मूलों की ज़रूरत होती है। तीसरा अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, यह सप्लाई और डिमांड को समझने का विज्ञान है। निवेश करने से पहले उसके फंडामेंटल और इकोनॉमिक पहलुओं को समझने की ज़रूरत होती है, साथ ही मार्केट के तकनीकी पहलुओं को जानने की ज़रूरत है जो कि भावनाओं द्वारा संचालित होता है। चौथा द लॉ, अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट मार्केट के टेक्निकल और फंडामेंटल स्किल्स के सहारे कॉरपोरेशन का प्रयोग करके आप विस्फोटक बुद्धि पा सकते हैं। जिस भी व्यक्ति को कॉरपोरेशन द्वारा दिए जाने वाले टैक्स फायदों और सुरक्षा का ज्ञान हो, वह बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर सकता है और अमीर बन सकता है, जो किसी कर्मचारी या छोटे बिजनेसमैन के लिए संभव नहीं है। कर्मचारी कमाते हैं और टैक्स चुकाते हैं और फिर जो बचता है उससे अपना खर्च चलाते हैं। एक कॉरपोरेशन कमाता है, जितना खर्च कर सकता है करता है और फिर बची हुई रकम पर टैक्स चुकाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे जो इन दोनों चैप्टर्स के द्वारा मैंने समझाने की कोशिश की है। अब आप कमेंट करके बताइए, सबसे ज़्यादा टैक्स कौन चुकाता है, अमीर लोग, मध्यवर्गी या गरीब लोग? इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि औरों को भी सीखने का मौका मिल सके। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया हो तो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।